स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वेश रसोई में। और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही टेस्टी और यमी सी रेसिपी सेवई, जो आप तीज पर त्यौहार पर खा सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं और खीर से भी ज़्यादा लाजवाब। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लाजवाब सी टेस्टी सी सेवई। कटोरी ली है सेवई, इस कटोरी से नाप कर ली है मैंने। अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई और गैस को ऑन कर देंगे। कढ़ाई गर्म होने पर इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, इसमें डाल देंगे सेवई और सेवई को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। 5 मिनट लगेंगे इन्हें भूनने पर। गैस को कर लेंगे हल्का और इन्हें धीरे धीरे से भूनेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। सेवई निकालने के बाद लेंगे वही वाली कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 गिलास दूध। अब गैस को कर देंगे तेज और दूध में उबाल आने तक इसे पकाएंगे अच्छे से। दूध में हल्का हल्का उबाल आ रहा है, इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये तले पर चिपके ना। 5 minutes later. दूध में उबाल आ चुका है, अब इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा ले लें। अब दूध में अच्छे से उबाल आ गया है, अब इसमें डाल देंगे हम सेवई। जब तक दूध में उबाल ना आए तब तक सेवई नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हमारा दूध फट सकता है। जैसे ही अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद डाल दें आप सेवई, दूध वैसा का वैसा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं फटेगा। और चीनी आपको पहले ही डालनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब दूध में अच्छे से सेवई भी डाल दी है और दूध में भी उबाल आ गया। अब इसे पकाएंगे हम 10 मिनट तक अच्छे से, जब तक हमारी सेवई गल नहीं जाती। ये हैं मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि 5 बादाम, 5 काजू, थोड़ी सी किशमिश। बादाम को और काजू को हम थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे, कूट लेंगे इन्हें इन्हें हमने बारीक कूट लिया है। अब सेवई गाढ़ी हो गई हैं, अब इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स और इन्हें अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट और पकाना है। सेवई हो गई हैं हमारी बिल्कुल बनकर तैयार, अब इन्हें निकाल लेंगे। तो सेवई बनकर हो चुकी है हमारी तैयार बिल्कुल। और अगर सावन के महीने में अगर सेवई नहीं खाएं तो क्या खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है सावन के महीने में भी और वैसे भी। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, बहुत ही जल्दी झटपट से, और वो भी इतने कम दूध में। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।